हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है और इसे हम विद इन 1 और 2 सेकेंड विदाउट पेन और पेपर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है इसमें √20 + √20 + √20 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं। 20 को हम क्या ले सकते हैं फैक्टर में, 4 × 5। ओके, तो 4 × 5 ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो जो इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट आएगी वो इसका आंसर होगा। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टेल यू दैट कि इसके फैक्टर को ये भी कह सकता है कि 2 × 10 है तो ये भी हो सकता है, बट इसमें ऐसे ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। इसमें ये देखने पड़ते हैं जो कंटिन्यूस होने चाहिए, जैसे 4 के बाद 5, ये इनके बीच में गैप है ना, तो ये नहीं होगा। ओके, बस ये चीज़ याद रखना, तो क्योंकि एडिशन है तो बड़ी वाली डिजिट इसका आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, सेम ही प्रोसेस होगा, इसको हम क्या ले सकते हैं 3 × 12, बट इसमें माइनस है तो स्मॉल डिजिट आंसर होगा। ओके, यहाँ पर 5 था आंसर, यहाँ पर क्या हो गया 3। इसमें क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में है √6 × √6 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें सिंपल ही जो डिजिट है वही आंसर हो जाएगा, है ना, इजी। अगर लास्ट वन अगर इस टाइप के दिए हुए हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या है कि जैसे अगर ये 5 है तो 5 × 2·(t − 1/2)। टी क्या है यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ, ये कितने टी हैं, ये है 1√5, 2, 3 और 4 है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 2 की पावर t कितना है 4 − 1/2 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 16 − 1 15/16। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज और भी बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।